हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बनाया था 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल की ये ब्यूटीफुल लहंगा की कटिंग स्टिचिंग की थी हमने। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सो यहाँ आपको इस ब्लाउज की फाइनल लुक दिख रही होगी, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज की फ्रंट वाले हिस्से की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। मेन फैब्रिक को भी हम साइड कर लेंगे और अस्तर पर पहले मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की हमें मार्किंग करनी है, तो चलिए नेक और शोल्डर की मार्किंग करते हैं। सो टोटल लेंथ हम यहाँ पे 11 इंचेस का ले रहे हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिटिंग के लिए कपड़ा लेना है। चलिए नेक की मार्किंग करते हैं 2 इंचेस पे और शोल्डर की मार्किंग करेंगे हम टोटल 5 इंचेस पे। सो अब हमें शोल्डर से नीचे आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो नीचे साइड हमें 5 इंचेस पे ही मार्क करना होगा। इस तरह से लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन को मिला लेंगे और फिर यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना होगा। अब नेक के लिए हम फ्रंट नेक 3.5 इंचेस की दे रहे हैं, तो लाइन को हमें इस तरह से मिला लेना होगा और फिर यहाँ पे नॉर्मली राउंड नेक का शेप दे देना होगा। तो चलिए अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम फिटिंग के लिए 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं और वेस्ट की फिटिंग के लिए हम यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर रहे हैं। सो इस लाइन को हम स्केल की हेल्प से सीधे करके मिला लेंगे और मार्जिन के लिए आप जितना चाहे उतना कपड़ा रख सकते हो। इस तरह से मार्किंग करने के बाद चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। सो इसकी हमने कटिंग कर ली है, अब इसे हम मेन फैब्रिक में बैठा करके और सिलेंगे। तो हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके रखना है और इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से बैठाएंगे। अब हम यहाँ पर नेक की सिलाई कर लेंगे और दोनों आर्म होल को सिल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये नेक और आर्म होल को हमने सिल लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब हम पूरे में इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हमारा झोल नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से कट कर लेने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से और अच्छे से इसे बैठा लेंगे। तो इस तरह से बैठा लेने के बाद अब हम पूरे में ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सो यहाँ देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया। अब नीचे की पट्टी लगा करके हम नीचे की साइड को भी फिनिशिंग लुक दे देंगे। सो देखिए नीचे की साइड को भी हमने पट्टी लगा करके और इसे उल्टा करके सिल लिया इस तरह से। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले हमें एक साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रखना होगा क्योंकि हमारा यहाँ बैक साइड में हुक लगेगा, इसलिए हम बैक साइड में 1/2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं पहले। सो इस तरह से मैंने लाइन यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से बैठाएंगे, ठीक है। अब नेक के लिए हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और आर्म होल को हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए आर्म होल को सबसे पहले हम कट कर लेते हैं और नेक की मार्किंग उसके बाद करेंगे हम। तो चलिए अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें नेक नीचे की साइड पे 5.5 इंच पे इस तरह से डाउन करना है। इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरह से शेप देना होगा। ये हमारा पूरा राउंड नेक भी नहीं है, ये हमें वी शेप में हमने ये राउंड नेक लिया है और नीचे 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। और यहाँ से लगभग आप जहाँ आर्म होल की मार्किंग की है वहाँ से हमें इस लाइन को इस तरह से यहाँ तक मिला लेना होगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब और जो हमने मार्जिन में कपड़ा रखा था उसे भी हम इस तरह से कट करके दो हिस्सों में खोल लेंगे। सो मेन फैब्रिक में हम दोनों हिस्सों को बैठा करके और फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें मेन फैब्रिक पे अपने अस्तर को फैब्रिक को बैठाना है और हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं। सो गाइस इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है वो हम कट कर लेंगे और पूरे में हम वैसे ही छोटा छोटा कट्स लगा करके फिर अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे।
और ऊपर की साइड से वैसे ही हम एक और सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड से हमें एक और सिलाई लगा के इसे अच्छे से बैठा लेना होगा। सो सेम अब हम दूसरे साइड की भी इसी तरह से सिलाई करके उसे भी तैयार कर लेंगे। सो देखिए दोनों साइड्स को हमने तैयार कर लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक साइड को ज्वाइन करना होगा। तो इस तरह से हम अपने दोनों पार्ट्स को बैठाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। सो इस तरह से शोल्डर को सिल लेने के बाद अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और ऊपर से हमें एक सिलाई लगा करके इसे पक्का कर लेना होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से शोल्डर की सिलाई कर ली है। अब हम इसे सीधा करके ही फोल्ड करेंगे इस तरह से और दोनों साइड्स को हम सिलाई लगाएंगे हाफ हाफ इंच पे। सो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम इसे उल्टा करके अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे और फिर उसी पे सिलाई लगाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो। मैं दोनों साइड पे 1.5 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। और अब हम इसी मार्किंग पे सिलाई लगा लेंगे। साइड हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं एक और सिलाई लगा ले रही हूँ। सेम हमें दूसरे साइड पे भी वैसे ही सिलाई कर लेना होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये ब्लाउज यहाँ तक बन चुका है। अब इसमें हमें बो लगानी है। तो बो के लिए मैंने फैब्रिक कट किया हुआ है। लेंथ 11.5 इंचेस है और इसकी जो विथ है वो 9 इंचेस की है। और यहाँ पे मैंने दो इस तरह से फैब्रिक कट किया हुआ है क्योंकि ये हमारा बो के लिए जो हमारी स्ट्रिप्स बनेगी वो उसके लिए है। तो चलिए हम अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड पे हमें कोन टाइप की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे इसे। और सबसे पहले हम बो के लिए अपनी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमें सिलाई लगानी होगी। तो एक साइड पे हमें 1/2 तक ही सिलाई लगानी है ताकि हम इसे सीधा कर सकें। बस यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम जो हमारा कोन्स है निकली हुई उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से और अब हम इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से। और फिर सीधा कर लेने के बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कपड़ा का रखा हुआ था जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई थी उसे अंदर की ओर मोड़ लेंगे और वापस से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सेंटर से पहले हमें इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे सेंटर पे और इस तरह से हमें प्लीट्स बैठानी है इस पर और इसी के ऊपर हम एक सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेते हैं। तो अब हम इसे पहले साइड कर लेते हैं। अब इसके लिए जो हमने स्ट्रिप्स की पट्टी कट की थी वो हम सिलेंगे। तो इस तरह से इसे सिल लेंगे हम और सिलने के बाद इसे भी हम सीधा कर लेंगे। तो
देखिए दोनों स्ट्रिप्स को हमने तैयार कर लिया है, अपने बो को लेना है और यहाँ मैंने एक और पट्टी इस तरह से फोल्ड करके सिल लिया था। इसे हम इस तरह से बैठाएंगे और एंड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिल लेने के बाद हमें अपनी बो को अच्छे से बैठा लेना होगा। तो इस तरह से अच्छे से इसे हम बैठा लेंगे। अब जो हम स्ट्रिप्स हमने सिलाई की थी इसे दोनों को ज्वाइन कर लिया हमने और अपने बो में इसे हम इस तरह से बैठाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सो सुई धागे की हेल्प से हमने इसे सिल लेना होगा। सो इस तरह से हमने इसे सिल करके तैयार कर लेना होगा और अब हम इसे अपने ब्लाउज के बैक पार्ट में लगाएंगे। सो हमें ब्लाउज के जिस साइड हमें हुक लगाना है उसी साइड पे हमें ये बो को लगा करके इस तरह से तैयार कर लेना होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।